श्रीलंका के हाथों मिली 5 विकेट से हारने के बावजूद भी पाकिस्तान की पूरी टीम पर आईसीसी ने लगाया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम हुई एशिया कप 2022 से बाहर। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरा मामला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एशिया कप के सुपर फोर का 6वां मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम को श्रीलंका के गेंदबाजों ने 19.1 ओवर में 121 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया, जबकि श्रीलंका की ओर से पदुम्न संका ने 55 रन लगाए तो वही भानुका राजपक्षे ने 24 रन का योगदान दिया और इस मुकाबले को श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी ने पाकिस्तान की पूरी टीम पर स्लो ओवर के रेट के चलते 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, स्लो ओवर रेट वो होता है एक निश्चित टाइम के अंदर पूरे मैच को खत्म करना होता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम इस कारनामे को नहीं कर पाई और सिर्फ 5 मिनट लेट होने के चक्कर में आईसीसी ने पाकिस्तान की पूरी टीम पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया।